7 लाख रुपए की स्मैक के साथ आरोपी उपेंद्र शर्मा को किया गिरफ्तार। राजस्थान से शिवपुरी खपाने आया था युवक। जिले के देहात थाना पुलिस ने 36.50 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 7 लाख रुपए के साथ आरोपी उपेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि 3 अक्टूबर को सूचना मिली कि हवाई पट्टी के पीछे की तरफ दुधावली में एक युवक स्मैक बेचने की फिराक में है। मौके पर जाकर आरोपी उपेंद्र शर्मा पुत्र अशोक शर्मा उम्र 38 साल निवासी ग्राम देवरी थाना कस्बा थाना जिला बारा राजस्थान के कब्जे से अवैध रूप से रखे मादक पदार्थ 36.50 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है उसको जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक्चुअली में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है स्मैक ला करके या बेचने का प्रयास कर रहा है, जिस पर से पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर गया था और वहाँ पर मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान पर जो है वहाँ एक व्यक्ति मिला जिसको जो है जिसने अपना नाम पूछने पर जो है उपेंद्र शर्मा बताया, जो ग्राम देवरी कस्बा जिला बारा राजस्थान का रहने वाला था। तो विधिवत उसको जो है सारी उसके अधिकारों की जानकारी देते हुए उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से जो स्मैक मिली जो जिसकी मात्रा करीब 36.50 ग्राम है। कितनी कीमत की हुई सर? ये करीब 7 लाख कीमत की होगी, जिस पर जो है तत्काल कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार किया। तो सर इसमें एक ही लोग गिरफ्तारी हुई कि कुछ और भी इनके लोग जो? नहीं, इसके संबंध में इससे पूछताछ की गई और इसके संबंध में जो है पूछा गया कि इसमें किसे कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसने ओमी एक नाम के व्यक्ति का नाम लिया जो बारा का है, जिसके संबंध में हम आगे कार्रवाई। ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? ये इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। वैसे तो ये राजस्थान से ये व्यक्ति आया है लेकर के, तो मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान से यहाँ अपने प्रदेश में इसकी सप्लाई। सर ये कहाँ खेप देने जा रही थी इस बैग की? ये भी हम पूछताछ करेंगे, विवेचना में इस तथ्य को भी हम आगे लेकर आएंगे।